नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार अम्बेश यूनिवर्सल न्यूज एजेंसी से, और आज हमारे साथ में खास मेहमान हैं जो कि आपकी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर एडवोकेट रामवीर चौहान जी। आज हम इनसे मुद्दे की बात करने के लिए उनके पास आए हुए हैं, और मुद्दा यह है कि दिल्ली का विकास। जी हाँ, दिल्ली का विकास, जैसे कि सीजन है बरसात का, और सीजन इससे पहले जो महामारी जो दिल्ली में पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, और दिल्ली में जो महामारी की कोरोना जैसी महामारी की बात करें तो मुझे लगता है कि सारे स्टेट में नंबर वन पे दिल्ली आता है, जहाँ पे स्वास्थ्य भी काफ़ी स्वास्थ्य के नज़रिए से हम देखें तो इतना बेड भी नहीं है जो कि मतलब इतने लोग कोरोना से पीड़ित है। तो सब सारी बातों को लेकर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ में एडवोकेट रामवीर चौहान जी को। देखिए, ये हमने पूरी दिल्ली में 2017 से लेकर 2019 तक लगभग 3 से 4 रथ यात्राएँ चलाई, और हमने दिल्ली में एक्सपोज किया कि ये झूठ और फ्रेब की सरकार है। पूरी दिल्ली में कोई डेवलपमेंट नहीं है, सिर्फ एक लालच के वशीभूत होकर दिल्ली के वोटर्स ने, लालच क्या है कि इंसान का स्वभाव है लालची होना, वोटर को लालच दिया गया। हमने इलेक्शन कमीशन से भी कहा कि इस तरह की घोषणाएं, जब भी कोई चुनाव आता है तो चुनाव से एक साल पहले सभी राजनीतिक पार्टियों पे बैन लगा दिया जाए कि वो कोई भी लोक लुभावनी घोषणा की कोई भी लोक लुभावनी घोषणा ना करें, जिससे कि इलेक्शन को प्रभावित ना किया जा सके। अब इलेक्शन से 6 महीने पहले इन्होंने कहा कि हम बिजली का बिल, बिजली 200 यूनिट फ्री करेंगे, जिसके बहकावे में आकर दिल्ली की जनता ने इनको वोट दे दिया। अब जैसे ही कोरोना काल शुरू हुआ, कोरोना काल में आपने देखा कि मोहल्ला क्लिनिक पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ। जब आप पूरे वर्ल्ड में ये चर्चा फैलाते हैं, कहते हैं हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए वर्ल्ड क्लास, तो आपका मोहल्ला क्लिनिक फेल क्यों हुआ? कोरोना क्यों इतनी बड़ी महामारी बन गया दिल्ली में? दिल्ली एक टाइम ऐसा आया कि दिल्ली नंबर वन के करीब थी, नंबर वन पे दिल्ली पहुंच चुकी थी कोरोना के आसपास, और ऐसे हालात में फिर आपका मंत्री बयान देता है कि जुलाई के महीने में लगभग 5.5 लाख एक्टिव केसेस होंगे दिल्ली में। मतलब ये सरकार है या मदारी का खेल चल रहा है? ना आप कोई कंट्रोल करने की बात करते हैं, और जो होम आइसोलेशन की बात इन्होंने की, दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते थे, भागना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि दिल्ली और देश के सामने एक्चुअल फिगर आए कि दिल्ली में कितने कोरोना के पेशेंट हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर होम आइसोलेशन ना होता तो दिल्ली में जो 2 करोड़ के लगभग दिल्ली की आबादी है, तो 50% आबादी कोरोना से अफेक्टेड हो चुकी थी। उस नंबर से बचने के लिए होम आइसोलेशन का पैंतरा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में दिया, जबकि आज भी हालात ख़राब हैं, लोगों को मेडिसिन नहीं मिल रही। लोग हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाना चाह रहे लोग? क्योंकि आप हॉस्पिटल में कोई भी सुविधाएं मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। जो पेशेंट को फैसिलिटी चाहिए, जो मेडिसिन चाहिए, वो आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं हॉस्पिटल में। इसलिए उस हॉस्पिटल आज मौत का घर बन चुके हैं हॉस्पिटल। जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो डेथ केस ज़्यादा होते हैं, घर के मुकाबले हॉस्पिटल में ज़्यादा डेथ हो रही है। तो दिल्ली के जितने भी ये सब दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल हैं, ये सारे एक काल के रूप में लोगों की मौत का घर बने हुए हैं, और उससे दिल्ली सरकार घबराई हुई है। इसलिए दिल्ली के एक बड़े बोले उप मुख्यमंत्री, जिनके पास हेल्थ डिपार्टमेंट ही नहीं था, उन्होंने कहा कि 6 लाख के करीब केस हो जाएंगे। तो दिल्ली में एक पैनिक, एक फियर और टेरर क्रिएट कर दिया गया कि दिल्ली के लोग, जो थोड़े बहुत बचे हुए लोग हैं, वो भी दिल्ली से भाग जाएं छोड़ के। आपके बराबर में एक बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है, तो उस पर आपका क्या विचार है, उसका क्या कहना है? क्योंकि वहाँ से काफ़ी अच्छा रूप है, बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि शायद एक बार में जो पेशेंट की जो संख्या होगी, कई हज़ारों की संख्या हो सकती है वहाँ पर, मतलब अच्छे से आइसोलेट या बेड हो सकते हैं। उसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, ये एक सफ़ेद हाथी दिल्ली सरकार ने खड़ा कर दिया है बुराड़ी के कोसी कनक्लेव में। इन्होंने दिल्ली की जनता को गुमराह, पूरे देश की जनता को गुमराह किया कि हम 800 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं
इस क्षेत्र की आबादी लगभग 10 लाख के करीब आबादी है पूरे क्षेत्र विधानसभा की। उस आबादी में सभी ने उम्मीद की कि हमें एक हॉस्पिटल मिलेगा, और आज उसकी स्थिति क्या है कि उस हॉस्पिटल को इन्होंने कहा कि हम कोविड सेंटर बना रहे हैं। एक बड़ा हॉस्पिटल जिस पे बड़ी करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है, अब ये उसको कोविड सेंटर का नाम देके, ना तो उस हॉस्पिटल में अभी आप चले जाएंगे, उसमें आयुर्वेद का जो काढ़ा होता है उस काढ़े की ये बात करते हैं। वहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ना वहाँ कोई ओपीडी सेंटर खोला गया है, ना किसी और डिपार्टमेंट की किसी को इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत है, किसी को इमीडिएट लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। आप यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग। दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ टोटली मिसलीड द पीपल्स ऑफ दिस एरिया एंड दिस बिकम ए मिजरेबल सिचुएशन ऑफ द एरिया। कि आप हॉस्पिटल के नाम पे एक आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी है, लेकिन अगर यहाँ कोई आदमी किसी को हार्ट अटैक हो जाए, किसी को कोई सीरियस प्रॉब्लम्स है, तो ये हॉस्पिटल काम का नहीं है। इसमें सिर्फ बेड डाल दिए गए हैं कोविड के नाम पे, और कुछ नहीं है। आप जाकर सर्वे कर सकते हैं। नहीं, जैसे आपने कहा ना भी अपने वक्तव्य में कि मतलब वहाँ पे औषधियाँ जो काढ़ा वाड़ा होता है उस टाइप, आयुर्वेद के जो नजफगढ़ में एक आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, वहाँ से एक आचार्य को बुलाया गया, उनसे कहा गया कि हम यहाँ पे देसी तरीके से इलाज करेंगे कोरोना के लोगों का, और उनको काढ़ा पिलाने के लिए उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन ली है। अब यहाँ जो भी पेशेंट है कोरोना के, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उनको काढ़ा पिलाया जा रहा है। आप जाकर सर्वे कर सकते हैं। तो ये हॉस्पिटल के नाम पर सरासर धोखाधड़ी है इस जनता के, इस क्षेत्र की जनता नहीं, पूरी दिल्ली की जनता के साथ, कि ये सरकार झूठ और फ्रेब, और ये मक्कार लोग हैं। ये दिल्ली में जो सरकार है, मक्कार लोगों की झूठी सरकार चल रही है। चलिए, सरकार ने तो हॉस्पिटल बना दिया, चाहे दिखावे के लिए कह गए, मगर जो बाहर जो सड़क है, अगर बारिश होगी, अगर मरीज कोई ऐसा मिलता है पेशेंट, अगर किसी को इमरजेंसी अगर उसे एडमिट कराया जाए, तो सबसे पहले पास के हॉस्पिटल में जाना पसंद करेगा। किसी को भी अगर इमरजेंसी, तो कैसे जा पाएगा, कैसे जा पाएगा? ये जो नदियाँ नाव, उसके लिए नाव का इंतजाम करना पड़ेगा दिल्ली सरकार को। एम्बुलेंस की जगह नाव लानी पड़ेगी। आप देख लो जाके, जो विकास की बात करते हैं यहाँ का क्षेत्रीय MLA और दिल्ली के मुख्यमंत्री, अभी कुछ दिन पहले मिंटो ब्रिज के नीचे एक आदमी डूब के मरा है। ये इस सरकार की पोल खोलती है कि आप दिखावे के लिए आपने करोड़ों रुपये के ऐड तो दे दिए हैं न्यूज़पेपर्स में, लेकिन ज़मीनी सच्चाई बिल्कुल उल्टा है। और इस देश का लोकतंत्र उस मुर्गी की तरह हो गया, जिसके पंख तो उखाड़ के फेंक दो, लेकिन मुर्गी के दाने के लालच में वो मुर्गी आपके पीछे पीछे घूमती रहेगी। ऐसे लोकतंत्र भी दाने के लालच में, आज वोटर एक दाने के लालच में घूमता रहता, चाहे उसके पंख उखाड़ दो या उसको मार, उसकी गर्दन दबा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ वो एक दाने के लालच में भागता रहेगा। बिजली के बिल का लालच दे दिया, कभी पानी का लालच दे दिया। अब इस देश की जनता को तय करना है कि जो लोकतंत्र है, या निर्वाचन आयोग को तय करना है। हालांकि हम नहीं मानते कि आज की डेट में, हमें ऐसा लगता है इस देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, और ना ही कोई इंस्टीट्यूशन आज़ाद है। हर इंस्टीट्यूशन केंद्र सरकार के दबाव में केंद्र सरकार की कठपुतली बन चुका है, चाहे वो जुडिशरी हो या इलेक्शन कमीशन हो, कैग हो, कोई भी, या RBI है, सारे के सारे इंस्टीट्यूशन जैसे केंद्र सरकार के दबाव जैसे चाहती है उस तरीके से चला रही है। नहीं तो इलेक्शन कमीशन के पास इतनी सारी पावर्स है, अगर वो चाहे तो ये जो लोक लुभावनी घोषणाएं की जाती हैं, ये डायरेक्ट इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया जाता है, इसको बंद किया जा सकता है। ये लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे देने की बात की जाती है इलेक्शन से 2 महीने पहले 6 महीने पहले, इनको कम्प्लीटली बैन लगना चाहिए। चुनाव के वर्ष में किसी भी सरकार को कोई भी घोषणा करने पर पाबंदी लगनी चाहिए। 1 साल पहले सारी घोषणाएं बंद होनी चाहिए, और ये प्रपोजल इलेक्शन कमीशन को लाना चाहिए कि कोई भी सरकार किसी भी राज्य में है, या केंद्र की सरकार, चुनावी वर्ष शुरू होते ही साथ उनकी सारी घोषणाओं पे बैन लग जाए। रामवीर जी, आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि आपकी अपनी पार्टी है, और अभी तक तो जो बात थी वो दिल्ली तक बात थी, और हम आते हैं केंद्र की बात। कोरोना जैसे पूरे भारत में 21 लाख से भी पार हो रहा है, और उस तादाद से अब देखा जाए तो मृत्यु दर भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बढ़ रही है, कल 800 के करीब लोग मरे हैं। बढ़ती जा रही है, तो क्या इस काल में जो हमारे एजुकेटेड जो MBBS जो तैयारी कर रहे हैं, उनको हॉस्पिटल नहीं मिला है,
और भी अन्य तरीके से जो जो शिक्षा का वर्ग है वो धीरे धीरे इस तरह उसका डाउन होता जा रहा है, और विश्व में जो हमारी जो मेडिकल जो सुविधा है भारत की वो 115वें रैंकिंग में आती है, तो उसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, ये इस देश के लोकतंत्र में भागीदारी करने वाले वोटर को तय करना है। इस देश के वोटर को ये तय करना है कि उसको मंदिर मस्जिद चाहिए या इस देश का डेवलपमेंट चाहिए। दूसरी चीज़, मैं बार बार ये कहता हूँ, हम तो बहुत बार कह चुके हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी जो शासन लाना चाहती है वो मनुवैधी वो शासन नहीं है। आज देश के संविधान के अनुसार सिस्टम नहीं चल रहा है, ये मनुवादी व्यवस्था के अनुसार चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो चुनावी इलेक्शन मैनिफेस्टो वो मेमोरेंडम है उनका, जिसको हम कहते हैं इनका संविधान, भाजपा का जो संविधान इलेक्शन कमीशन में जमा कराया हुआ है, मैंने कई बार आप लोगों के सामने पहले भी कहा, इस देश में डिबेट होनी चाहिए इस बात पे कि भाजपा ने अपने संविधान में लिखा है कि वी विल फॉलो द एंशियंट वैल्यूज एंड गांधीयन फिलोसफी। गांधी कौन थे? गांधी कास्टिज्म में बिलीव करते थे। और एंशियंट वैल्यूज़ क्या है? एंशियंट वैल्यूज़ वो हैं जहाँ पे हम लोगों को जो कामगार वर्ग है इस देश में, मेहनत कस वर्ग है, उसको शूद्र बना के रख दिया गया है, उसको चौथे वर्ण में रख दिया गया है। तो अब जो वर्तमान में केंद्र की सरकार है उसने वही पैटर्न अपनाया है कि पैसे के लिए जो बनिया हैं उनको पैसा दिया जा रहा है, ब्राह्मण है उनको धर्म पे कब्जा कराया जा रहा है उनका, ताकि मंदिर, ये जो मंदिर के जो सिगुफा छोड़ा गया है मंदिर बनाने का, ब्राह्मणों का धार्मिक कामों पे, पढ़ाई पे वर्चस्व करने के लिए। तो इस देश में मनुवादी व्यवस्था लागू की जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, और हम एक संवैधानिक व्यवस्था को ख़त्म करके हमने भावनाओं में आके वोट दे दिया। आज भी हिंदू कह के ये वोट बटोरते हैं, लेकिन जब मंदिर के उद्घाटन की बात आती है, नींव रखने की बात आती है, तो मैं इस देश से पूछना चाहता हूँ, इस देश के ओबीसी वर्ग से पूछना चाहता हूँ कि कल्याण सिंह, विनय कटियार, उमा भारती, ये कौन लोग थे जिन लोगों ने मंदिर के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, जो जेल में चले गए, जिन लोगों ने मेहनत की, परवीन तोगड़िया, ये ऐसे लोग हैं ओबीसी के जो मंदिर के फायर ब्रांड, मंदिर आंदोलन के फायर ब्रांड नेता थे, और ये लोग आज भी जिंदा हैं। लेकिन जब मंदिर की नींव रखी जाती है तो ब्राह्मणों को, ब्राह्मण अपने वर्चस्व के लिए इनको लाइन, इनको शूद्र बना देता है। इस देश का राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक एक दलित है, उस दलित को इसलिए नहीं बुलाया गया कि दलित को पूजा पाठ के काम से अलग रखा गया है। तो इस व्यवस्था में जब राष्ट्रपति होने के बाद भी वो आदमी दलित है, अगर एक आदमी देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है और वो आज भी दलित है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि 2014 के बाद इस देश में मनुवादी व्यवस्था लागू हो चुकी है, और मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ हम सब लोगों को, कामगार लोग जो मेहनत कश लोग हैं, उनको एकजुट होकर खड़ा होकर संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं तो हम गुलाम हो चुके हैं। आज जुडिशरी पूरी तरह गुलामी का काम करती है, केंद्र सरकार के फेवर की बात होगी, फटाक से डिसीजन आ जाएगा, अगर किसी और के लिए काम कर तो बायसनेस हो रही है। इलेक्शन कमीशन प्रधानमंत्री के खिलाफ, अगर प्रधानमंत्री किसी चीज़ की का वॉयलेशन करते हैं रूल का, तो इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ नहीं बोलेगा, बोलेगा तो उसको हटा दिया जाएगा वहाँ से। तो ये सारा सिस्टम मनुवादी व्यवस्था ने जकड़ लिया है। अब इस बेड़ी से को तोड़ने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने तो संविधान दिया, आज एक नए बाबा साहब को पैदा होने की ज़रूरत है जो इस सिस्टम के खिलाफ संघर्ष कर सके, और जब लोग उनके खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ बाबा साहब की तरह एकजुट हो गए, एक नेतृत्व को मान के उसके खिलाफ संघर्ष के लिए आगे आए लोग।